हाँ जी हाँ जी सन्यासी सन्यासी और इस्लामी हाँ नियम में पक्के होते हैं नियम अपने नियम में अपने अपने नियमों में सभी बंधे हुए होते हैं सन्यासी क्या अपने अपने तरीके का नियम कायदा कानून परंपरा सब की होती है। हाँ तो हाँ रूढ़िवादी ज्यादा हैं ये बुद्धि नहीं ज्यादा चलाते अपने कायदे कानून के पक्के हैं वो कायदा कानून कहाँ तक समझदारी से भरा पूरा है या नहीं है ये नहीं देखते उन्हें सिर्फ देखना है कि हमारे गुरु ने बोला है हमारे मुल्ला मौलवी ने बोला है इसलिए उसको फॉलो करना है हमारे धर्म पिता ने बोला है राम का साथ लक्ष्मण रावण के साथ लक्ष्मण राम 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 का पूजा करते लक्ष्मण का पूजा नहीं करते क्यों लक्ष्मण का पूजा नहीं करते एडवांस कोर्स तो ले लिया ना और भट्टी भी कर ली होगी हैं? तो वहाँ भट्टी में ये नहीं बताया गया कि राम और राम के तीन भाई ये चारों भाई चार मुख्य धर्म जो दुनिया में फैले हुए हैं उनके बीज हैं उनमें से कौन सा भाई है जो देवी देवता पक्का बनता है कौन है राम तो देवी देवताओं की पूजा होती है और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये दूसरे धर्मों के बीज हैं इसलिए पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं दास दासी बन करके रह जाते हैं तो दास दासी की पूजा कोई करेगा करेगा नहीं करेगा और पूजा का आधार है प्योरिटी शिव बाबा जब आते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं तो ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है पवित्रता को धारण करना और जितनी ऊंची कोटि की पवित्रता को धारण करेंगे उतनी जास्ती पूजा होगी पवित्रता को कम धारण करेंगे तो पूजा भी कम होती है इंडिया में और अफ्रीका देश में अनटचबिलिटी ज्यादा फैला है अनटचबिलिटी पहले शूद्र लोगों को देवालय में प्रवेशना मना कर दिया और निग्रोस को अधिकारी में बिताना मना कर दिया वो अपना ब्राह्मणों का दुनिया में कैसे लागू करते अस्पृश्यता छूना नहीं अंदर आना नहीं देवालय में तो इसका मतलब तुमने अभी ब्रह्मा कुमार और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों का अंतर नहीं समझा ब्रह्मा कुमारी एडवांस ज्ञान लेने के बाद कभी ब्रह्मा कुमारी आश्रम माउंट आबू गए नहीं गए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गए गए अभी जा रहे हो क्यों नहीं जा रहे मना कर दिया समझ में आ गया समझ में आ गया एडवांस पार्टी में जब तक बाप दिखाई पड़ता है
थोड़ा भी दिखाई पड़ता है तब तक ऐसा नहीं होगा। और जब बाप देखने में नहीं आवेगा, जैसे कि ब्रह्मा जब तक मौजूद रहे, मम्मा मौजूद रही, तो भक्ति मार्ग देखने में नहीं आया। जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा, ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति मार्ग जोर शोर से देखने में आ गया। तो ऐसे यहाँ भी एडवांस पार्टी में भी, ब्राह्मणों की दुनिया में जो और धर्म के बीज हैं, वो ही क्रियाकर्म कांड, वही परंपराएं चालू कर देंगे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों में चल रही है, क्योंकि वो बाप को पूरा नहीं पहचानते हैं। और हाँ जी, विषय में श्री नदी को पार करने के अस्थि दो जन्म को कॉम्पिटिशन रखा गया, दो जन्म को कॉम्पिटिशन रखा गया, दो जन्म का दो आदमी को, दो आदमियों का कंपटीशन रखा गया। एक आदमी का अंदर बहुत सहनशीली गुण है, एक सहनशीली गुण है, और दूसरे आदमी का अंदर बहुत सामना करने का गुण है, अलग अलग प्रकार का गुण है, तो दोनों में कौन जल्दी जीत जाएगा वो विषय वैतरी नदी को पार करने के वास्ते, सहनशीली गुण वाला या सामना करने वाला गुण वाला, या दोनों से नहीं होता, या और तीसरे आदमी होना चाहिए क्या वो दोनों को भी निकाल के पार कराने के वास्ते? सहन शक्ति विजयमाला का गुण है, और सामना करने की शक्ति रुद्रमाला का गुण है, लेकिन दोनों एक दूसरे का आधार लिए बगैर विषय वैतरणी नदी को क्रॉस नहीं कर सकते। कुछ न कुछ एक दूसरे से सामंजस्य रखना पड़ेगा। और भी एक घंटा कोर्स कराना है, ये तो कोर्स कराने वाले की योग्यता के ऊपर आधारित है कि अगर उसमें याद की तीव्रता है तो थोड़े समय में भी कोई को कोर्स करा के फोर्स भर सकता है, और कोई में ताकत नहीं है, योग्यता नहीं है, तो एक घंटे तो क्या, तीन तीन घंटे, चार चार घंटे लंबा लंबा कोर्स कराता रहे और पूरे सप्ताह भर कोर्स कराता रहे तो भी उसमें फोर्स नहीं आएगा बाप से मिलने का। और कहते हैं कि ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं, ये गायन व शूटिंग संगम में कैसे होता है? कौन बताएगा? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में देवताएं, देव आत्माओं का पार्ट बजाने वाले कौन सी विशेष आत्माएं हैं? ब्रह्मा, सरस्वती और उनके फॉलोअर्स। जो ब्रह्मा सरस्वती की तरह सहनशीलता को धारण करने वाले और शरीर छोड़ते जा रहे हैं, सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजाए रहे हैं, सूक्ष्म रूप में देव आत्मा का पार्ट बजाए रहे हैं, वो आत्माएं भी
हम ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके टाइम टू टाइम पार्ट बजाती है। उन देव आत्माओं के पांव धरणी पर नहीं पड़ते, अर्थात जो ब्राह्मण सूक्ष्म स्टेज में रहते हैं, सूक्ष्म वतन की मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहते हैं, उनमें उनके बुद्ध रूपी पांव प्रवेश करते हैं। स्थूल धरणी पर पांव प्रवेश नहीं करते हैं। तो वो ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं आकांक्षा करती हैं कि हमें भी भगवान का जो साक्षात्कार रूप अभी प्रैक्टिकल दुनिया में कार्य कर रहा है, जो नई दुनिया की स्थापना करने के लिए निमित्त बन रहा है, संसार में वो रूप प्रत्यक्ष होने वाला है, उसके नाम से जो भोजन बनता है प्रैक्टिकल में, जिसका गायन है ब्रह्मा भोजन, वो ब्रह्मा नहीं जो शरीर छोड़ गया। कौन सा ब्रह्मा? जो प्रैक्टिकल में अभी इस दुनिया में है, जो मुरली में बोला कि मैं जिस तन में भी प्रवेश करूं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो प्रैक्टिकल में जो ब्रह्मा का रूप है, जिस ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा का भोजन गाया हुआ है, भोजन किसका? शिव का भंडारा। और भोजन, भोजन किसका गाया हुआ है? ब्रह्मा का भोजन गाया हुआ है। तो ब्रह्मा को भोग लगे, पहले ब्रह्मा खाए, फिर उस भोजन को हम भी खाएं। ऐसे भोजन के लिए वो देव आत्माएं अभी भी तरस रही हैं। क्यों तरस रही हैं? अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि रुद्रमाला में ज्यादा तादाद वाली बीज रूप आत्माएं दूसरे धर्म की हैं या देवी देवता सनातन धर्म की हैं? कौन से धर्म की हैं? और धर्म की बीज रूप आत्माएं भरी पड़ी हैं, इसलिए उनके वाइब्रेशन में वो ब्रह्मा भोजन की बात ही दब करके रह जाती है। दूसरे धर्म के लोग भगवान को भोग लगा के खाते हैं क्या? भगवान को अर्पण करके खाते हैं क्या? नहीं। तो इसका फाउंडेशन कहां पड़ता है? है? इसकी शूटिंग कहां होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। तो कहां हो रही है? अभी वर्तमान में हो रही है कि दूसरे धर्म की जो बीज रूप आत्माएं हैं, इस बात को कोई महत्व नहीं दे रही हैं कि पहले भगवान के रथ को भोग लगाया जाए, फिर उस भोग को हम भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। लेकिन जो देव आत्माएं हैं वो तड़प रही है, ऐसा भोजन खाने के लिए तरस रही है। उनकी चाहना अभी भी पूरी नहीं हो रही है। और जब स्थिति हार्ट फेल तो नहीं हो सकते, हैं? आज तो हार्ट फेल नहीं हो सकते।
राजयोगी होंगे तो आठ फेल नहीं होंगे, और राजयोगी नहीं होंगे, बड़े बड़े मकान बनाए रहे होंगे, प्रॉपर्टी बनाए रहे होंगे, बाल बच्चों को विदेशों में भेज के पढ़ाई पढ़ाए रहे होंगे, तो उनकी तमन्नाएं ऊंची ऊंची दुनिया की हैं या नहीं है? अरे उनके अंदर दुनियावी ऊंची ऊंची तमन्नाएं पल रही हैं या नहीं पल रही हैं? और अचानक विनाश शुरू हो गया तो उनकी तमन्नाएं धरी की धरी रह जाएंगी, फिर हार्ट फेल होगा या नहीं होगा? हैं? बोलो ना, होगा या नहीं होगा? होगा। हाँ, और त्रेता युग में त्रेता का अर्थ क्या है? त्रेता में 13 बादशाहियां चलती है। कितनी? 13 है। भक्ति मार्ग में कहते हैं कोई मरता है तो 13 ब्राह्मणों को भोजन खिलाना पड़े, तब उसका आरंभिक कर्मकांड पूरा होता है। तो सतयुग में तो 8 ही जन्म है, 8 जन्मों में 8 ही नारायण है, संगम को भी मिला दें तो 9 है, 13 तो पूरे नहीं होते। तो 13 ब्राह्मणों की, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की संख्या कौन से युग में पूरी होती है? त्रेता युग में। त्रय माने 3, ता माने था, क्या 3 की बढ़ोतरी हो जाती है कौन से युग में? त्रेता में। सीढ़ी को ध्यान से देखें, त्रेता युग में 3 सीढ़ियां कटी हुई हैं, माने 3 जन्मों की बादशाही थोड़ी थोड़ी कटती जाती है। स्वर्ग का सुख कट जाता है, भगवान का बना बनाया घर क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो जरूर कोई होंगे क्रिश्चियन धर्म के बीज जिन्होंने ये संकल्प चलाया होगा कि हे भगवान के बने बनाए घर तू बिगड़ जा, गिर जा। तो भक्ति मार्ग में कौन सा मंदिर बन गया उनकी यादगार में? गिर जा घर बन गया। और जो अधूरे धर्म हैं, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म, उन्होंने उसको फॉलो कर लिया, तो फॉलो करने वालों का भी यही हाल होता है। वो दूसरे के पुरुषार्थ में अड़ंगा लगाते हैं तो भगवान उनके बने बनाए सारे मंसूबों में पानी फेर देता है। उसकी यादगार है मस्जिद, ऐसी जिद करने वाली मिस है जो न खुद भगवान को पहचानती है न दूसरों को भगवान को पहचानने देती है, न खुद विश्व की बादशाही लेती है और न दूसरों को लेने देती है, सबके पुरुषार्थ के रास्ते में दीवाल बन करके खड़ी हो जाती है।
तो मुसलमान लोग जब इबादत करने जाते हैं अपने पूजा स्थल में तो सामने दीवार खड़ी कर लेते हैं। काहे की पूजा करते हैं? दीवार की पूजा करते हैं। यही उनका जीवन का लक्ष्य है। क्या क्या लक्ष्य है? कि हम खुद तो प्राप्त कर नहीं सकते स्वर्ग, तो क्या करें? दूसरों को भी हम नहीं जाने देंगे। और अखबार में तीन तेरा नवतारा है, अखबार में बोलते हैं तीन तेरा नवतारा है। अभी तो बताया तेरा, नौ अठारह, नौ के दुगने कर दो तो अठारह हो जाएंगे। हाँ, और जैसे बीज वैसे वृक्ष बोलते हैं, जैसे बीज वैसे वृक्ष बोलते, जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा। वृक्ष बोलते शरीर रूप की निर्माण है, शरीर की रूप की निर्माण, शरीर रूप की निर्माण। हाँ, बोले तो बीज जितने श्रेष्ठ रहता है उतना श्रेष्ठ रूप सात्विक शरीर आता है। बोलते हैं जितने श्रेष्ठता रहता है बीज का अंदर उतना श्रेष्ठता सात्विक रूप में शरीर भी आता है वैसा ही। मगर कोई कोई सात्विक रूप में दिखता मगर उसका बुद्धि दिमाग बहुत खराब दिखता ना। माना उसका जिसम तो बहुत अच्छा शोभता रहता, सुंदरता रहता, और उसका दिल दिमाग जो जिसम है वो तो वृक्ष हो गया ना। आप तो बीज की बात कर रहे हैं, तो बीज बताओ ऐसा जो बीज कड़ुआ न हो, बीज कड़ुआ न हो और वृक्ष कड़ुआ हो। नीम का बीज कड़ुआ है तो वृक्ष भी सारा कड़ुआ ही होगा, छोटा बीज होगा तो भी बड़ा वृक्ष कड़ुआ होगा। बड़ा बीज होगा नीम का और उसका पैदा पौधा छोटा भी होगा तो भी उसके पत्ते कड़ुए होंगे। और हाँ जी, कोई ने पूछा सेवा करने के समय प्रश्न आया, 5000 वर्ष व्यतीत हो गए ड्रामा के पूरे हो गए, वही 5000 वर्ष का ड्रामा अभी फिर रिपीट हो रहा है, तो उसका प्रूफ क्या है? अगर हिंदू है तो बताओ महाभारत का प्रूफ। हिंदू महाभारत को मानता होगा कि नहीं? मानता होगा तो उसे बताओ कि महाभारत को हिंदू लोग कितना पुराना मानते हैं। कहेंगे 5000 वर्ष हुए। तो जो 5000 वर्ष हुए वो फिर 5000 वर्ष के बाद अभी वही महावारी महाभारत युद्ध हमारे सामने खड़ा हुआ है। दुनिया में तीन तरह के मुख्य रूप से लोग फैले हुए हैं। एक हैं बहुत थोड़ी संख्या वाले पांडव जो भगवान को जानते भी हैं, मानते भी हैं और उसके बताए हुए रास्ते पर नंबरवार चलते भी हैं। दूसरे तरह के वो लोग हैं जो भगवान को जान तो लेते हैं, उन्हें समझाओ तो उनकी बुद्धि जान जाती है, ठीक बात है तुम्हारी, ठीक बात है हम मानते हैं, परंतु हमारे पास टाइम नहीं है। जान जाते हैं
लेकिन बहाने बनाकर बताते हैं, हम मानने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो जान तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं है, और फिर चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो है कौरव, जो कौओं की तरह भाषणबाजी कांव कांव बहुत करते हैं, कांव कांव करके यहां पब्लिक इकट्ठी कर लेंगे, वहां चौराहे पर पब्लिक इकट्ठी कर लेंगे, वहां मैदान में पब्लिक इकट्ठी कर लेंगे, और उनके सामने कांव 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 करके चले जाएंगे। हमारा ये प्लान है, हमारा वो प्लान है, हम ऐसे नई दुनिया बनाएंगे, हम वैसे नई दुनिया बनाएंगे, हम सुख शांति लाएंगे, ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन रिजल्ट में देखा जाए तो वही कौओं की दुनिया तैयार होती है, जो गंद खाने वाली 5 स्टार होटलों में जाकर के सिवाय गंद खाने के और उनका कोई दूसरा धंधा नहीं। हम 5 स्टार होटलों की संख्या बढ़ाते चले जाते हैं, देश में गंद खाएंगे, विदेश में जाकर गंद खाएंगे, गंद की दुनिया बढ़ाते रहते हैं। और तीसरा ग्रुप उनका है जो महाभारत में यादव कहे गए हैं, बड़े बड़े धनाढ्य यादव थे, समंदर के किनारे रहने वाले। कृष्ण का राज्य कहाँ था? समंदर के किनारे द्वारिका में। बड़े शराबी थे, बड़े बड़े कबाबी थे, बड़ा बड़ा मान मर्तबे वाले थे। भगवान को सपोर्ट नहीं करते थे। कौरवों को सपोर्ट करें भले, लेकिन भगवान और भगवान के फॉलो करने वालों को सपोर्ट नहीं करते थे। एकदम नास्तिक थे। न खुद भगवान को मानते, न औरों को मानने देते। कहते हमने अपने बुद्ध रूपी पेट में से जो मूसल निकाले हैं मिसाइल्स, हम इतने बलवान हैं, हम चाहे तो दुनिया को चुटकियों में खत्म कर देंगे। इतने अहंकारी। ये तीनों ग्रुप अभी दुनिया में मौजूद हैं या नहीं है? हिंदू होगा तो मान लेगा। ये 5000 वर्ष पहले भी महाभारत युद्ध हुआ था, भगवान आया था, और 3 प्रकार की सेनाएं दुनिया में मौजूद थी। अभी भी भगवान आया हुआ है, 5000 वर्ष पूरे हो गए। आपको मानना पड़ेगा कि 5000 वर्ष के बाद अभी फिर हूबहू रिपीटेशन हो रहा है। अगर कहे हम हिंदू नहीं हैं, हम तो क्रिश्चियन हैं, तो उन्हें बताओ कि अगर तुम असल क्रिश्चियन हो तो बाइबल को तो मानते ही हो। क्रिश्चियंस लोगों का कहना है कि क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत में पैराडाइज था, तो 2000 साल क्राइस्ट को हुए और 3000 साल पहले की बात है। जब लॉर्ड कृष्ण का राज्य बताते हैं क्रिश्चियंस लोग, तो टोटल कितने साल हुए? 5000 साल हो गए। वही 5000 साल के बाद
अभी सब संबत खलास होने वाले हैं। मुसलमानों का हिजरी संबत खलास हो गया 1980 में, 14वीं सदी उनकी पूरी हुई। सभी संबतों की शुरुआत 2000 साल पहले, 2500 साल पहले हुई है। क्योंकि ये संबत हिस्ट्री में तब शुरू हुए हैं जब दुनिया में दुख की शुरुआत हुई है। ये दुखों की दुनिया नर बनाता है, उसको नरक कहा जाता है। नरक में जब आदमी दुख भोगते हैं तो एक एक दिन उनको दुख भोगना मुश्किल लगता है, तो हिस्ट्री बन जाती है। तवारीख शुरू हो जाती है। जितने भी धर्म हैं दुनिया में सब की अपनी अपनी तवारीखें 2500 साल के अंदर की है। जो ये बताते हैं कि दुख की दुनिया में दिन गिने जाते हैं, हिस्ट्री बनती है। सुख की दुनिया में कोई हिस्ट्री बनाने की दरकार नहीं, कोई संबत नहीं होता। दुनिया में जितने भी संबत हैं, जितनी भी ईसवी है, जितने भी हिजरी संबत है, वो 2500 वर्ष के अंदर का है। 2500 वर्ष दुनिया दुखों की है, जो मनुष्य बनाता है, नर बनाता है, और 2500 वर्ष की दुनिया सुखों की दुनिया है, जो भगवान बनाता है। सुखों की दुनिया का नाम सतयुग त्रेता है और दुखों की दुनिया का नाम द्वापर और कलयुग है। तो क्रिश्चियंस को भी ये समझ में आ जाएगा कि 5000 साल पहले भगवान आया था और लॉर्ड कृष्ण का राज्य स्थापन किया था। अभी फिर भगवान आया हुआ है, ये सुखों की दुनिया 2500 साल और दुखों की दुनिया 2500 साल पूरी हो गई। 5000 वर्ष का ये कल्प पूरा हुआ, अब फिर नई दुनिया आने वाली है। क्रिश्चियंस को तो ज्यादा ही अच्छी तरह पता है कि दुनिया बारूद के ढेर के ऊपर खड़ी हुई है, क्योंकि ये बारूद उन्हीं का बनाया हुआ है। बड़े बड़े वैज्ञानिक खुद सोच में पड़े हुए हैं कि दुनिया को नष्ट करने का बारूद तो हमने तैयार कर लिया, लेकिन अब इसको हम खलास कैसे करें। अब जो चीज बनाई गई है वो तो अपना काम पूरा करके खत्म होगी। मनुष्यों का काम है बिगाड़ना। इंसान भगवान के बच्चे हैं, इंसान बिगाड़ता है और भगवान आकर के बनाता है। इंसान ने ये दुनिया खत्म करने का सामान तैयार कर लिया। दुनिया तो खत्म होगी लेकिन भगवान गुप्त रूप में आ चुका है। दुनिया तब खत्म होने देगा जब नई दुनिया का संगठन इस संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा। उसका नाम है पैराडाइज। वो वंडर्स दुनिया में मनुष्यों के बनाए हुए हैं। जिन वंडर्स को देखने के लिए लोग जाते हैं,
पैसा खर्च करके, और ये भगवान का बनाया हुआ वंडर है, वंडर ऑफ दी वर्ल्ड पैराडाइज, जो गुप्त रूप में स्थापन हो रहा है। जब तैयार हो जाएगा तो एटम बमों से ये दुनिया ध्वस्त कर दी जाएगी। बाबा भी कहते हैं कि फॉरेनर्स को जल्दी समझ में आवेगा ये ज्ञान। फॉरेनर्स फौरन पहचानेंगे भगवान को, अभी तो ये ज्ञान भारत में फैला हुआ है, विदेशों में नहीं फैला हुआ है। लेकिन विदेशों में जब तुम बच्चे जावेंगे तो विदेशी लोग इस ज्ञान को झट पकड़ लेंगे, भगवान को पहचान लेंगे और संसार में बाप की प्रत्यक्षता करेंगे। अभी भारत के, दक्षिण भारत के विदेशियों ने भारत को, भारत में भगवान को पहचाना है, तो प्रत्यक्षता भी कर रहे हैं। लेकिन वो भारत के मुट्ठी भर हैं पांडव। पांडवों की संख्या 5 बताई गई है। वो कांटों के जंगल में गुप्त वेश में इधर उधर छिपे छिपे फिर रहे हैं। तब तक छिपे रहेंगे जब तक भगवान छिपा हुआ है। पांडव गुप्त, पांडवों का बाप गुप्त, पांडवों का पुरुषार्थ गुप्त, दान मान पद मर्तबा सब कुछ गुप्त। जब गुप्त प्रत्यक्ष होगा तो संसार में ज्ञान की क्रांति हो जाएगी। तो क्रिश्चियंस को भी मानना पड़े कि 5-4 वर्ष के ड्रामा की हूबहू रिपीटेशन का समय अभी चल रहा है। और जो वैज्ञानिक हैं, जो शास्त्रों को नहीं मानते, बाइबल को नहीं मानते, हिंदुओं के महाभारत को नहीं मानते, भागवत रामायण को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, स्वर्ग को नहीं मानते, नरक को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, उन वैज्ञानिकों को समझाना है कि दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी खुदाइयां की गई हैं, उन खुदाइयों में सबसे पुरानी खुदाई कौन कौन सी है, जिनमें पुराने पुराने अवशेष मिले हैं, जो हिस्ट्री बताते हैं दुनिया की, तो बतावेंगे कि ग्रीस, मेसोपोटामिया, सिंध घाटी और हड़प्पा की खुदाइयां और उनमें मिले हुए जो अवशेष हैं, पुरानी मूर्तियों के, पुराने बर्तनों के, वो अवशेष ये साबित करते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी ये दुनिया ऐसे ही थी। 5000 वर्ष पहले से पुरानी चीज कोई नहीं मिलती। सबसे पुरानी चीज मिलती है शिवलिंग, लिंग मूर्तियां। वो शंकर के लिंग कहे जाते हैं। वो शंकर ही आदम है, क्रिश्चियंस का एडम है, जैनियों का आदिनाथ है,
जो 5000 वर्ष पहले भी था, अभी फिर इस संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है। वो विश्व पिता संसार में प्रत्यक्ष होगा और सारे विश्व को एक सूत्र में बांध लेगा। तो नास्तिक ही क्यों न हो वैज्ञानिक, उनको भी सच्चाई माननी पड़े। बाकी तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारे कुल का होगा वो मानेगा, तुम्हारे कुल का नहीं होगा तो नहीं मानेगा। आगे चल के जब सर के ऊपर डंडा बजेगा तो मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहावत है, सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलती है। अभी सच्ची बात को कोई नहीं मानेगा तो ऐसा भी टाइम आएगा कि वो सच्चाई सर के ऊपर सवार होकर के बोलेगी। जैसे कबूतर है, कबूतर के सामने बिल्ली आती है, कबूतर आंख बंद करके बैठ जाता है, मसक साद के बैठ जाता है, बिल्ली आई नहीं। तो क्या ये साबित हो जाएगा कबूतर को कि बिल्ली आई नहीं? अरे बिल्ली हमला करेगी या नहीं करेगी? 2, 5, 10 सेकंड रुकेगी तो रुकेगी, हमला तो होगा। और हाँ जी, एक भाई का प्रश्न है, पृथ्वी माँ का बच्चा है, पृथ्वी माता का बच्चा चंद्रमा, और चंद्रमा का रोशनी पृथ्वी पर पड़ता है, तो इसका यादगार क्या है? ब्रह्मा बाबा है पृथ्वी का बच्चा, और ब्रह्मा बाबा के मुख से निकली हुई ज्ञान की रोशनी मुरलियां पृथ्वी माता के पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? अरे पृथ्वी माता उन मुरलियों को सुनती है या नहीं सुनती है? धारण करती है या नहीं करती है? वो मुरली उसको ज्यादा अच्छी लगती है या मुरली का क्लैरिफिकेशन ज्यादा याद अच्छा लगता है जो ज्ञान सूरी के द्वारा दिया जाता है डायरेक्ट? मुरली अच्छी लगती है पृथ्वी माता को, क्लैरिफिकेशन उतना अच्छा नहीं लगता है। तो चंद्रमा की चांदनी तो सबको अच्छी लगती है ना, कि सूर्य की तपत अच्छी लगती है, सबको क्या अच्छा लगता है? चंद्रमा की मीठी मीठी चांदनी सबको अच्छी लगती है। और जगदम्बा को क्यों नहीं अच्छी लगेगी? वो तो सारे जगत के सब धर्मों की अम्बा है, जो सारे जगत के बच्चों को जो चीज अच्छी लगे तो जगदम्बा को भी अच्छी लगेगी। तो शूटिंग हो रही है, गीता का भगवान कृष्ण उर्फ चंद्रमा है, चंद्रमा उर्फ कृष्ण है या सूर्य है? जगदम्बा की नजर में है चंद्रमा ही, कृष्ण ही गीता का भगवान है।
दूसरा थोड़े ही बुद्धि में बैठेगा। और हाँ जी, परमात्मा शिव ने रावण के भक्ति से संतुष्ट होके रावण के भक्ति से संतुष्ट होके कौन ब्रह्मा रावण 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 की भक्ति से कौन संतुष्ट हुआ? शिव बाबा भक्ति से प्रसन्न हुए, आत्मलिंग दिया तो आत्मलिंग को गणेश जी को दिए तो गणेश जी पृथ्वी में स्थापन करते हैं, पृथ्वी में स्थापित करता है। हाँ हाँ, अरे ये आत्मा जो है उसका बड़ा रूप लिंग है और उसका छोटा रूप बिंदु है, तो रावण निराकार बिंदु को मानता होगा या साकार में निराकार को मानता होगा? बिंदु को मानता है तो उसके उसको आत्मलिंग दिया, वो आत्मलिंग साकार के बगैर कोई काम नहीं करता, ये बात रावण संप्रदाय की बुद्धि में नहीं आती। बाबा बच्चे कहते हैं आज की मुरली बहुत अच्छी थी, आज की मुरली खास इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बाबा मुरली तो सारी अच्छी होती है ना, फिर ऐसे क्यों बोलते हैं आज की मुरली बहुत अच्छी थी, आज की मुरली इतनी अच्छी हैं नहीं थी? बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो क्यों बोलते हैं, प्रश्न किया किसी ने, ऐसे क्यों बोलते हैं? अरे मुरली तो भगवान की है, भगवान की मुरली तो सभी अच्छी होती है, आज की अच्छी थी आज की अच्छी नहीं है, ऐसे क्यों? अरे हमारी बात बहुत अच्छी है, हमारी बात बहुत अच्छी है, हमारी बात बात होगी उसमें तो अच्छी लगती है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, जनरली देखा जाता है कोई मुरली में बहुत क्लैरिफिकेशन आते हैं, लंबी लंबी व्याख्याएं आ जाती हैं, तो सबको अच्छी लगती है, और कोई मुरली में व्याख्या है ही नहीं, एक दो शब्द की व्याख्या है और बाकी सारी मुरली ऐसे पढ़ दी गई जैसे घास काटी गई हो, तो सबको अच्छी लगती है, है? तो वो ही तो प्रश्न किया गया है, क्यों नहीं अच्छी लगती? अरे है? नहीं, सही है और गलत नहीं, प्रश्न है क्यों अच्छी नहीं लगती और क्यों अच्छी लगती है, हैं? समझ में आती है तो अच्छी लगती है, और जो घास काटी गई है वो नहीं समझ में आती, बाबा बच्चे अभी विस्तार में हैं। हाँ विस्तार अच्छा लगता है। अच्छा जिस मुरली में क्लैरिफिकेशन नहीं होता है वो सार है, स्थिति अच्छी है तो जिस मुरली में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होता है वो माता को अच्छी लगती है, माने रोज घास काटते रहो हमको बहुत अच्छी लगेगी, और एक गीत भी बना हुआ है, घास खाएं गऊए दूध पिए ग्वाल माखन मिश्री मदन गोपाल, तो जिसमें ज्यादा मक्खन मिश्री होता है वो ऊंची कोटि के बच्चों को अच्छी लगती है, दूध होगा
तो भी ग्वाल वालों को दूध अच्छा लगता है। और गैया जानवर होती हैं क्या होती हैं? है बुद्धि तो चलती नहीं उतनी, इसलिए जो मुरली पढ़ी ब्रह्मा बाबा ने बोली ना। किसने बोली? अरे ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा ने बोली है मुरली। अरे उसमें कुछ समझ में आए या ना आए, अरे गीता का पाठ तो है, रामायण का पाठ है कि नहीं है? है ना, तो उसमें खराबी क्या है? खराब है क्या? बिल्कुल नहीं। अब वो नई पॉइंट आए वो ऊपर से आती है या नीचे वाला बोलता है या ब्रह्मा बाबा बोलता है? मुरली जो है पढ़ता कौन है और उसका क्लैरिफिकेशन कौन देता है? हैं? शिव बाबा क्लैरिफिकेशन देते हैं, ब्रह्मा बाबा मुरली को पढ़ता है। तो अगर सिर्फ पढ़ी गई है तो उतना मजा नहीं देगी। और कोई अगर कहते भी हैं कि पढ़ी गई मुरली, चार पांच पेज छह पेज पढ़ दी, आजकल तो अव्यक्तवाणी भी ऐसी आ रही है, क्या होता है मोस्टली छह पेज अव्यक्तवाणी धड़ाधड़ पढ़ दी गई। तो ये पढ़ने का काम किसने किया? ब्रह्मा बाबा ने किया। और ब्रह्मा बाबा कृष्ण की आत्मा है ना, तो कृष्ण की वाणी अच्छी लगनी चाहिए खराब है? अरे चंद्रमा की रोशनी अच्छी लगनी चाहिए या खराब है? बोलो ना। अच्छी लगती है, लेकिन कीड़े मकोड़े ना विनाश नहीं होता है ना, सूर्य का प्रकाश में होता है ना, इसलिए क्लैरिफिकेशन अच्छा लगता है। गर्मियों के दिनों में जब पूर्णमासी का चंद्रमा खिला हुआ हो तो छत पर लेटने में मजा आता है या अंदर लेटने में मजा आता है? और समझ में नहीं आया? ऐसे क्यों कहते हैं कि आज की वाणी अच्छी थी? मोस्टली कहते हैं आज की वाणी उतनी अच्छी नहीं थी, क्यों कहते हैं? नहीं समझ में आया? अरे अच्छा अच्छा ऊपर वाला है या नीचे वाले हैं? नीचे वाले चाहे ब्रह्मा हो चाहे प्रजापिता हो, वो तो 63 जन्म में भी थे, कुछ करके दिखाया नहीं करके दिखाया, वो अच्छे नहीं है। जो ऊपर वाला क्लैरिफिकेशन देता है एक एक वाक्य का, वो हमें अच्छा लगता है। अगर क्लैरिफिकेशन नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा बाबा ने पढ़ करके रख दी वाणी, तो उतना अच्छा उतना अच्छा नहीं। भक्ति मार्ग में कहते हैं लक्ष्मी ही रुक्मिणी का रूप है, ऐसे कहते हैं है? अरे रुक्मिणी जो है वो पट रानी है या महारानी है? रुक्मिणी को कहते हैं पट रानी, आठ पट रानियों में से एक मुख्य पट रानी का नाम है रुक्मिणी। वो महारानी नहीं है। तो लक्ष्मी को रुक्मिणी का रूप कैसे कह देंगे? कहां से निकाली ये बात? अरे किसी ने सुना
भक्ति मार्ग में किसी ने ऐसे सुना कोई पंडित जी से कि लक्ष्मी एक रुक्मिणी का रूप है, है? ये बात नहीं हो सकती। लक्ष्मी है राधा का बड़ा रूप, और राधा को जो स्टेज दी है वो स्टेज कोई भी पटरानी को नहीं दी जा सकती। पटरानी नाम ही तब पड़ता है जब पुरुषार्थ करते करते आखिरी माया के फाइनल पेपर में पट जाके गिरती है, और लक्ष्मी पट में नहीं जाके गिरती है, अपनी प्योरिटी की पावर से खुद भी उठ जाती है और संगी साथियों को भी उठाए देती है। जो देवरानी है वो ही पटरानी बनती है। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, पटरानी है कि पटराना भी है? पटरानी का ही गायन है या पटराना भी होते हैं? है? पटरानी ठीक है, पटराना नहीं होते, राजा बनने वाले नहीं होते हैं। हाँ, पटराना भी है तो पटरानी भी है। अष्टदेव अगर कहें पटराना तो उनकी सहयोगिनी शक्तियां भी होंगी या नहीं होंगी? है? वो भी होंगी। तो आठों तो हो गए भाई भाई, छोटे भाई हुए सात, तो छोटे भाइयों की पत्नियां देवरानी हुई या जेठरानी हुई? है? देवरानी हुई। वो देवरानी पटरानी नहीं कही जाएंगी तो क्या कही जाएंगी? देवरानी क्या हुई? पटरानी हुई। सती अनुसुईया का पुत्र दत्तात्रेय कहते हैं। क्या कहते हैं? दत्तात्रेय। त्रेय माने तीन देवता और दत्ता माने दिया हुआ। तीन देवताओं का एक रूप दिया हुआ जिसमें तीनों देवताएं मिक्स हैं, समाये हुए हैं, उसका नाम है दत्तात्रेय। उनका विशेष गुण क्या था? अरे लो, अरे दत्तात्रेय तो विष्णु पार्टी में एक यहाँ बैठे हुए हैं हैदराबाद में, बहुतों ने उनको फॉलो किया होगा यहाँ बैठने वालों में से भी। भूल गए? हैं? दत्तात्रेय उनका विशेष गुण क्या था? दूसरों के गुण देखना। वो किसी के अवगुण नहीं देखते थे। तो ऐसा ब्राह्मणों की दुनिया में कौन पार्टधारी है जो सदैव जीवन में दूसरों के गुण ही देखता रहा, कभी भी अवगुण नहीं देखे? कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो प्रश्न ये है, सती अनुसुईया का पुत्र दत्तात्रेय शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन ज्ञान मार्ग में
कृष्ण बच्चा ब्रह्मा की आत्मा का जन्म, प्रत्यक्षता रूपी जन्म संगमी भी लक्ष्मी द्वारा होता है, अनुसुईया द्वारा नहीं। अब प्रश्न ये है, पहले अनुसुईया है या पहले लक्ष्मी सरस्वती आदि हैं त्रिदेवी? पुरानी कौन है? लक्ष्मी है तो बचपन का नाम राधा है चंद्रवंशी, सरस्वती भी कहेंगे, जगदम्बा का रूप है। तो सवाल ये है कि अत्री और अनुसुईया ये ज्यादा पुराने हैं या त्रिदेव ज्यादा पुराने हैं? है त्रिदेव ज्यादा पुराने हैं, ओल्ड इज गोल्ड होता है, जो ओल्ड इज गोल्ड होता है उसमें प्योरिटी ज्यादा होती है कि जो नया होता है उसमें प्योरिटी ज्यादा होती है? है ओल्ड इज गोल्ड है उसमें प्योरिटी ज्यादा होती है, और प्योरिटी के सामने गोल्ड कभी नहीं झुकेगा, रियल गोल्ड झुकेगा तो रियल गोल्ड ही ज्यादा प्योर होगा। त्रिदेव किसके सामने झुक गए? है अनुसुईया के सामने झुक गए, और त्रिदेवी किसके सामने झुकती थी? है त्रिदेव के सामने त्रिदेवी झुकती थी, पति परमेश्वर मानती। तो त्रिदेव में ज्यादा प्योरिटी हुई या त्रिदेवी में ज्यादा प्योरिटी हुई? है त्रिदेवी में उतनी प्योरिटी नहीं कहेंगे जितनी त्रिदेव में है, और त्रिदेव में उतनी प्योरिटी नहीं है जितनी अनुसुईया में है, और अनुसुईया में भी उतनी प्योरिटी नहीं है जितनी अत्री में है। तो बताओ अत्री कौन, अनुसुईया कौन, फिर त्रिदेव कौन, फिर उनकी रचना त्रिदेवी कौन? सबसे पुराना इनमें कौन हुआ? अत्रि आ माने नहीं, त्रि माने तीन देवता, जो तीन देवताओं में से नहीं कहा जाता। वो तीन देवताओं की कोटिका नहीं है, देव नहीं है, क्या है? भगवान है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है। तीन देवताओं को तो फिर भी शास्त्रों में दिखाया है, कहीं न कहीं अहंकार आता है। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी नहीं दिखाए जाते, लेकिन शिव तो सदैव ही निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, बिंदी रूप में या साकार रूप में? साकार रूप में, आदि में भी तो अंत में भी। 2018 में अंत, तो 2036 में भी आदि, तो उस समय अत्री का रूप है। उस अत्री से
सबसे पहले तैयार होता है दो मणके, अष्टदेवों में से पहले दो, काशीनाथ शंकर और काशी नगरी या अनुसुईया। और वो काशीनाथ शंकर का रूप है निराकारी आदि में, इसलिए अनुसुईया तो पहले है, बाद में कृष्ण का जन्म है। छोटी मां के द्वारा निश्चय बुद्धि रूपी जन्म दादा लेखराज ब्रह्मा का बाद में होता है। अष्टदेवों की रचना तो त्रिदेवियों से भी पहले है।